हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग साइन ए से। साइन ए को क्या करना है, कॉट ए की टर्म्स में करना है। स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देना। साइन ए जिसको लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक ए, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। हम कोसेक ए को कर सकते हैं 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए को कर सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। अब देखो क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए का अंडर रूट, है ना, कर सकते हैं ना, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, कर सकते हैं। और आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर। तो ये हो गया साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक है। अब करेंगे सेक ए को कॉट ए की टर्म्स में। तो अगला क्वेश्चन है सेक ए को क्या करना है, कॉट ए की टर्म्स में करना है। ओके, ध्यान से देखना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सुनो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो यहां मैं करूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट, ठीक। लेकिन हमें आंसर टेन में नहीं देना, हमें आंसर देना है कॉट ए में। तो एक काम करते हैं, फिर से जहां पर टेन स्क्वायर लिखा है वहां लिखेंगे 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए, बिकॉज टेन एंड कॉट आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। इसके बाद यहां से देखो, मैं एलसीएम कर रहा हूं, एलसीएम करेंगे तो आएगा कॉट स्क्वायर ए। उसके बाद कॉट स्क्वायर ए को 1 से डिवाइड करो तो कॉट स्क्वायर ए आएगा, और उस कॉट स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आएगा कॉट स्क्वायर ए, प्लस फिर कॉट स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए से डिवाइड करो आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा। अगला स्टेप ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में है मेरे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्योंकि कॉट स्क्वायर ए का रूट है ना, तो व्हाट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, आपको पता ही है एक्स होता है, तो रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, कॉट ए। तो यहां मैंने क्या किया, सेक ए को कॉट ए की टर्म्स में कर दिया, राइट। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। कहता है टेन ए को भी करो कॉट ए की टर्म्स में। सबसे आसान तो यही पार्ट है, क्योंकि टेन ए एंड कॉट ए आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तुम लिख सकते हैं टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन डन, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। ऑल द अदर का मतलब हुआ सेक ए छोड़ करके, सेक ए छोड़ करके बाकी जितनी भी रेशियोज होती हैं, जैसे साइन ए, कॉज ए, टेन ए, कोसेक ए और सेक ए। सेक ए तो है ना, कौन सा बच गया, साइन कॉस टेन कॉट रह गया ना, कॉट ए। इन सबको क्या करना है, सेक ए की टर्म्स में करना है। तो पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं साइन ए, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या हम साइन ए को ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन 1 लिख सकते हैं ना। अब सुनो, डिवाइड कर रहा हूं मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉज ए से, साइन ए बाय कॉज ए, और यहां पर आएगा 1 बाय कॉज ए, कोई डाउट नहीं। अब देखो साइन ए बाय कॉज ए क्या होता है, टेन ए होता है, टेन ए, और ये क्या होता है, सेक ए। देखो आपका सेक ए यहां तो आ गया, बट यहां पर सेक ए अभी भी तक नहीं है। तो क्या करेंगे, अगला स्टेप ध्यान से देना, टेन ए को लिखो टेन स्क्वायर ए का अंडर रूट, और सेक ए तो अपनी जगह ठीक है। अब देखो
टैन स्क्वायर क्या होता है? देखो आपने पढ़ा था वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा क्या होगा? टैन स्क्वायर थीटा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। ओके, तो यहां लिखो सेक स्क्वायर ए माइनस वन होल अपॉन सेक ए। आई होप आपको फर्स्ट वाला पार्ट आराम से आ गया होगा। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट कॉज ए। सेकेंड पार्ट क्या बोला? कॉज ए। कॉज ए और सेक ए आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, तो आप कर सकते हो कॉज ए की जगह वन अपॉन सेक ए, ये आराम से हो गया। ठीक है, अब करते हैं एक और पार्ट टैन ए। टैन ए को लिख सकते हो आप लोग अंडर रूट टैन स्क्वायर ए। ठीक है, एंड व्हाट इज वन प्लस टैन स्क्वायर ए? टैन स्क्वायर ए, वन प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो जहां पर टैन स्क्वायर ए लिखा हुआ है वहां आप कर सकते हो, ठीक है, टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये भी हो गया। अब करेंगे कोसेक ए। देखो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, साइन ए इज इक्वल टू, याद करो क्या किया था हमने, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। देखो ध्यान से, फर्स्ट पार्ट में हमने ये किया था, और वी नो दैट कोसेक ए क्या होता है? कोसेक ए होता है साइन का रेसिप्रोकल, ऐसे। तो क्या बन जाएगा? इसका रेसिप्रोकल ही कोसेक ए है, यानी सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोसेक ए हो गया। अब करते हैं कॉट ए। कॉट ए, कॉट ए किसका रेसिप्रोकल है? टैन का, तो वन अपॉन टैन ए कर देंगे। अब ध्यान से देखो, आपने टैन ए करा हुआ है, टैन ए क्या था? रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो ये हो गया वन अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। सारे हो गए, क्वेश्चन नंबर टू डन। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री। हाँ स्टूडेंट्स, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, वो कहते हैं इवेल्युएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ध्यान से देखो, दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इनका दोनों का सम कितना होता है? 63 प्लस 27 कितना होगा? 90 डिग्री होगा ना। तो इसका मतलब हम किसी भी रेशियो को कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहो तो इसको करो चाहे इसको करो, मैं इसको कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर 63 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 27, क्लियर? और सेकेंड वाली रेशियो को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा, राइट? अब देखो यहाँ भी ऐसे करते हैं, कॉस स्क्वायर 90 में से क्या माइनस करें कि 70 ना जाए? 73, ठीक है। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है, तो बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा इज वॉट? इट इज साइन थीटा, तो हो गया ये साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी फर्स्ट वाली, वो क्या थी? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा दोनों सेम है ना, तो हम इसको वन बोल सकते हैं। ऐसे ही डिनोमिनेटर में जो आया वो भी वन के इक्वल होगा, एंड व्हाट इज वन अपॉन वन? इसका आंसर हुआ वन। ठीक है, अब करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, यहां पर देखो 25 और 65, 90,
25, 65, 90। तो किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, चाहे तो आप 25 को कन्वर्ट कर लो, चाहे तो 65 को कन्वर्ट कर लो, लेकिन ध्यान रहे किसी एक को ही कन्वर्ट करना है। तो मैं कर रहा हूँ 25 को कन्वर्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखना, साइन 25 को लिखो 90 माइनस 65, कॉस 65 एज इट इज। ऐसे यहाँ पर कॉस 90 माइनस व्हाट, 90 में से क्या माइनस करें कि 25 आ जाए, तो ये होगा 65 ही होगा, साइन 65 एज इट इज। अब देखो, व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज के अंदर साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो यहां पर आएगा कॉस 65 डिग्री, ये कॉस 65 पहले से पड़ा हुआ है, और ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, साइन थीटा। तो साइन 65 डिग्री, और यहां पर भी साइन 65 डिग्री। तो व्हाट इज कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा, इट बिकम्स कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। एंड व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इट इज 1, तो दिस बिकम्स 1। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन इज डन। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, 9 ब्रैकेट sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या फिर डी ऑप्शन। तो स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना, आपने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, पढ़ा था ना, 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। तो यहां से अगर मैं tan स्क्वायर a को RHS में ले जाऊं तो क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो इसका मतलब इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो 9 इंटू 1 इज व्हाट, 9, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। अब करते हैं सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। तो फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, पहले ब्रैकेट पे फोकस करो, tan थीटा क्या होता है, sin अपॉन cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। यहां पर भी ऐसे करो, जहां cot है वहां लिखो cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cosec क्या होता है, 1 अपॉन sin थीटा। ओके, अब यहां पर लेंगे LCM, तो LCM क्या होगा, cos थीटा, तो cos को 1 से मल्टीप्लाई करो तो cos थीटा आएगा, प्लस sin थीटा प्लस 1, ये हो गया। यहां भी करो ऐसे, LCM आएगा sin थीटा, यहां आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज को cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा। ध्यान से देखो, पहले cos को मैं sin से मल्टीप्लाई करता हूं, तो cos थीटा sin थीटा, फिर cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा, अब sin से करूंगा, ध्यान से ना, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, फिर माइनस sin थीटा। अब किससे करना है, 1 को सबसे करना है, तो आएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 होल अपॉन cos थीटा sin थीटा। अब बहुत केयरफुली करना है हमें, ठीक है, कुछ कटता हो तो काट दो। देखो, sin थीटा और माइनस sin थीटा काट दो, cos थीटा और माइनस cos थीटा काट दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये 1 इससे कट जाएगा, तो बचा क्या, cos थीटा sin थीटा, और यहां पर क्या है, sin थीटा cos थीटा, दोनों सेम है, ठीक है। तो ऊपर आ गया 2 sin थीटा cos थीटा, और नीचे क्या है, नीचे पहले से पड़ा हुआ है cos थीटा sin थीटा, जो कटता है काट दो, cos cos से क्या, sin sin से क्या, तो 2 आया। अब 2 देखो कौन सा ऑप्शन है,
टू है, टू है सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। फोर्थ का थर्ड पार्ट करते हैं, कह रहे सेक थीटा सेक ए है, सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस साइन ए, ये किसके इक्वल है ये चेक कर रहा है। करते हैं स्टार्ट, ध्यान से देखो, सेक ए क्या होता है वन अपॉन कॉस, और टेन ए क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और वन माइनस साइन ए को बिल्कुल टच मत करना। यहां पर मैं एलसीएम ले रहा हूं, ध्यान से देखना, कॉस कॉस का एलसीएम कॉस ए ही आएगा, ऊपर आ गया वन प्लस साइन ए, और वो इससे मल्टीप्लाई हो सकता है इससे वन माइनस साइन ए से। ध्यान से देखो, व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस ए। ध्यान से देखो, वन स्क्वायर को वन कर सकते हैं। अब देखो, आपने पढ़ा था फर्स्ट आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो अगर मैं साइन स्क्वायर को वहां पर ले जाऊं आरएचएस में, तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब अगर वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, वहां पर लिख सकता हूं मैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। कुछ कट रहा है इसके अंदर, ऑफ कोर्स कट रहा है, क्या कट रहा है कॉस ए कट रहा है, तो बचा क्या कॉस ए। ये कौन सा ऑप्शन है चेक करो, ये है डी ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट देखो, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, नहीं वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, एक सेकेंड, वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये करना है हमें। देखो, वन प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, एंड वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कोसेक स्क्वायर। ओके, अब आपको पता है कि सेक एंड कॉस आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो इसको मैं कर सकता हूं वन अपॉन कॉस स्क्वायर। ऐसे ही आपको पता है कि कोसेक एंड साइन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर। अब लिख सकते हैं इसको वन अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर अपॉन वन, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर जो बन जाता है टेन स्क्वायर। अब देखो कौन सा ऑप्शन है ये, आई थिंक ये डी ऑप्शन है, आप चेक कर लेना, मुझे लगता है डी ऑप्शन ही है इसका। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ये बोलता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, क्या ट्रिक्स होती है इसके अंदर। आप एलएचएस लो पहले, फर्स्ट स्टेप क्या होगा लिख लो आप, बस सीधा जो भी एलएचएस है उसको लिख लो। सेकंड स्टेप पर ध्यान दो, कोसेक थीटा होता क्या है, किसका रेसिप्रोकल है साइन का ना, तो हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा, एंड कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर अंदर एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम करने पर आएगा साइन थीटा, ऊपर आ गया वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, आराम से देखो, आपके आंसर में कहीं भी साइन नहीं है, ध्यान देना, और यहां पर साइन आ रहा है, तो इसे ही बोलते हैं ट्रिक्स। क्या ट्रिक्स बताता हूं, ये स्टेप ठीक है, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब क्या करूंगा मैं, ध्यान से देखना, साइन स्क्वायर थीटा को लिखो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं
वन को वन स्क्वायर कर सकते हैं। अब नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता है? वो होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कटता है काट दो भाई। बचा क्या? वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, जो कि आपका आर एच एस है, हेंस प्रूव्ड। फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें भी आपको एल एच एस को आर एच एस के इक्वल प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं एल एच एस से। पहले लिख लो एकदम एल एच एस एज इट इज लिखा करो पहले, उसके बाद दिमाग चलाओ क्या कर सकते हो। दो फ्रैक्शन दिए हुए, बस एलसीएम कर लो बस, और कुछ नहीं कर सकते आप। वन प्लस साइन ए और कॉस ए, इनका प्रोडक्ट है, इनका एलसीएम हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इस पूरे डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा ना ये वन प्लस साइन ए, बचेगा क्या? कॉस ए। इस कॉस ए को इस कॉस ए से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर। सिमिलरली इस पूरे डिनोमिनेटर को अगर मैं कॉस ए से डिवाइड करूंगा तो कॉस ए कट जाएगा, वन प्लस साइन ए बचेगा, और वन प्लस साइन ए जब वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो मैं क्या करूंगा, यहां पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा। इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होल अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। मेरे ख्याल से यहां तक आपको ठीक से आ चुका होगा। अब देखो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? वन होता है, वन प्लस वन टू हो गया, टू प्लस टू साइन ए होल अपॉन वन प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। टू कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या आएगा, वन प्लस साइन ए होल अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, जो कटता है उसे काट दो, ठीक है जो कटता है उसे काट दो। तो ये कट रहा है, बचा क्या? टू अपॉन कॉस ए। एंड व्हाट इज टू अपॉन कॉस ए? इट इज टू सेक ए, बिकॉज देखो ना इसको ऐसे कर सकते हो, एंड वन अपॉन कॉस ए क्या होता है? सेक ए। तो ये आपका आर एच एस आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने करा फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के दो पार्ट किए सिर्फ। ठीक है, तो बाकी के जो पार्ट हैं पार्ट 3 टू पार्ट 10, ये हम लोग